जाएगा। तो आग से क्या दिखा रहे थे? ये लाइलोन पॉलिस्टर होने से आग लग जाएगा, सिल्क है सर, ये देखिए। अच्छा, ये लाइलोन पॉलिस्टर होने से आग लग जाएगा, सिल्क है, रोज पहनने वाला चीज है, कभी कलर नहीं जाएगा ये। और भी साड़ी भी है, मेखला भी है असम का। अच्छा, असम का भी साड़ी है? असम का साड़ी है, मेखला है। अच्छा, इसका प्राइस कितना है? यहाँ पर भी बलि चढ़ाए जाते हैं। जो बाल गोपाल है, जिसको बचपन में वो खत्म किए थे, मार दिए थे, ये पतला राक्षसी थी मेन अट्रैक्शन। ओके, तो ये है रास। इस मेले का नाम है रास मेला, लगभग 200 साल पुराना ये मेला है। हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है मेरे चैनल पर। हाँ भाई, मुझे पता है आप लोग मेरा वीडियो नहीं देखोगे, स्किप करने वाले हो। पहले स्किप करने से पहले टाइटल देख लो वीडियो का, ठीक है। आज मैं आया हूँ वन ऑफ द बिगेस्ट मेला को कवर करने के लिए। मेरे साथ रहने वाला है मेरा दो दोस्त, ये एक है और पीछे एक है। इसके पास है DSLR, मेरे पास है GoPro। हम दोनों के पास जो कलेक्शन है 1,00,000 रुपये का कलेक्शन। कोई पीछे से मार ना ले, कोई भी नहीं, आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअली ये है मेला, वन ऑफ द बिगेस्ट मेला ऑफ वेस्ट बंगाल। और इस मेले का नाम है रास मेला। तो हर साल इस मेला को मनाया जाता है, लगभग 200 साल पुराना ये मेला है। और आज हम आपको दिखाएंगे इस मेला के बारे में। तो बेसिकली ये मेला कहाँ पर है? बेसिकली ये मेला है कुचबिहार पे। कुचबिहार कहाँ पर है? कुचबिहार है वेस्ट बंगाल पे। और अगर आप वेस्ट बंगाल के आसपास है और कुचबिहार के आसपास है, तो भाई अगर पॉकेट में पैसा है तो आ जाइए, मेले को एंजॉय करिए। देखो कितना बड़ा मेला है। और कौन कौन कवर किया है मुझे पता नहीं, मैं कवर करने वाला हूँ। और तो भाई ज़्यादा बकचोदी नहीं करते और हम जाते हैं सबसे पहले कवर करने को। रुक भाई, सबसे पहले हम जाएंगे कहाँ पर? मदन मोहन बारी को, जहाँ पर आपको आते ही दर्शन करना चाहिए। तो ज़्यादा बकचोदी नहीं करते, सबसे पहले जाते हैं मदन बारी और आपको दिखाते हैं। ओके, तो ये मदन बारी जाने का गेट है भाई। गाइस, हम लगभग आ चुके हैं, आप देख सकते हो कितना भीड़ है भाई। और वो सामने है मदन बारी, तो चलो। गाइस बेसिकली हम लाइन में आए हुए हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कितना बड़ा लाइन है भाई ऊपर, और जाने में लगता है 10 मिनट लगेगा। सो गाइस हम ना अंदर जा रहे हैं। तो गाइस बेसिकली हम मंदिर के भीतर आ चुके हैं, और देखो आते ही कुछ इस तरीके का ये है मेन अट्रैक्शन रास। बेसिकली इसको लोग घुमाते हैं, तो हम भी घुमाएंगे। तो इसको हम घुमाएंगे और मेरे वो जो भाई है ना, वो उसको मतलब इसको पकड़ के रखेंगे, मेरे साथ साथ घूमना। यू फिक्स्ड इट हियर, ऐसे रखो। हाँ, बेसिकली तीन तो मतलब तीन चक्कर घुमाता है इसका। तो हमने घुमाया, तो दिस इज द मेन अट्रैक्शन। ओके, तो ये है रास। तो मदन बारी आते ही आपको सबसे पहले रास घुमाना पड़ेगा, नहीं तो आपको मतलब क्या हजम नहीं होगा कुछ। चलो कुछ दूसरे चीज़ें दिखाता हूँ, वो राक्षसी को दिखाता है, रखो चलो। सो बेसिकली यहाँ पर और एक चीज़ है मेन अट्रैक्शन की चीज़ आपको दिखाता हूँ। सो ये है उतना राक्षसी, मतलब जो हमारे जो बाल गोपाल है, जिसको बचपन में वो खत्म किए थे, मार दिए थे, ये पतला राक्षसी देखो। अब देख सकते हो कि बाल गोपाल पुतला राक्षसी को खत्म कर रहे हैं, मतलब बात कर रहे हैं, मतलब उनके बचपन का ये कहानी को दर्शाने के लिए ये पुतला हर साल यहाँ पर रखा जाता है। सो आइएगा तो मस्ट विजिट दिस प्लेस, दिस इज इन मदन बारी। सो देखो कितना अच्छे तरीके से सजाया है। सो हम आपको कुछ दूसरे स्पॉट दिखाते हैं। सो कुछ दूसरे स्पॉट जैसे कि उस साइड में है दुर्गा मंदिर, और भी कुछ चीज़ें दिखाएंगे। चलो, इसे है हमारे सामने दुर्गा मंदिर, और चलो कुछ। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे ड्राइंग्स वगैरह रखा जाते हैं, मतलब बहुत कुछ स्टूडेंट्स वगैरह हैं, उन लोग के यहाँ पर आके अपना जो हैंडीक्राफ्ट होता है, मतलब जो अपने हाथों से बनाया हुआ है, तो यहाँ पर आके जमा कर देते हैं। प्रदीप आर्ट, कहाँ पर? वही खगराबड़ी का गेट बना चुका है भाई, सेंट मेरी स्कूल, अभी सेंट मेरी स्कूल से बना है ऋषभ बनर्जी। तो
है हनुमान मंदिर, इस साइड में भी कुछ है। चंद्रयान 3 का कुछ चीज़ है, तो बेसिकली कुछ यहाँ पर यही चीज़ था। और ये है दुर्गा मंदिर, यहाँ पर कुछ भगवान कृष्ण जी का कुछ अवतार कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पर है दुर्गा मंदिर, चलो हटो। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। सो दिस इज़ दी मेन अट्रैक्शन ऑफ मदनबाड़ी, और हम आपको दिखाएंगे और भी चीज़ें। देखो यहाँ पर सजा के रखा है। सो बेसिकली गाइस, मदनबाड़ी को रसमेला के टाइम पे बहुत अच्छे तरीके से सजाया जाता है। देखो आप लाइटिंग वगैरह, रास, ये ट्री मतलब कि पेड़, और यहाँ पर ये मंदिर, और यहाँ पर बलि चढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर देखो लोग बैठे हुए हैं, देखो यहाँ से कितना सुंदर लगता है, कितना कितना सुंदर लगता है यहाँ पर। तो देख रहे हो गाइस, यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से मदनबाड़ी को सजाया गया है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हो कि ये फंक्शन हो रहा है, मतलब हर दिन होता है, जब तक मेला है तो फंक्शन होता रहेगा। यहाँ पर भी बलि चढ़ाए जाते हैं। तो इस साइड से कुछ दिखाता हूँ, और एक मंदिर है, मतलब कि हर साल में जो दुर्गा पूजा होता है वो यहाँ पर मनाया जाता है। बेसिकली अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ, एक्चुअली हमारे शहर का जो राजा थे उनका पिक्चर, मतलब बच्चे लोगों ने ड्राइंग किया हुआ है, जैसे कि इंदिरा देवी, सुनीति देवी, गायत्री देवी, और भी फोटोज़ है राज परिवार का। ये महाराजा नृपेंद्र नारायण सर, महारानी इंदिरा देवी और इला देवी, गायत्री देवी, जयपुर की महारानी। और देखो, तो आप लोग को अगर नहीं पता तो गायत्री देवी हमारे शहर का ही कन्या था। ये तो हमारे पैलेस है, कुछ भी पैलेस महाराजा नृपेंद्र नारायण। सो फॉर ए क्विक रिव्यू और एक बार दिखा देता हूँ। सो पीछे से भी कुछ सजाया हुआ है, देखो पेड़ को और भी अच्छे तरीके से सजाया गया है। सो बेसिकली ये रसमेला के टाइम ही सजाए जाते हैं। सो देखो यहाँ पर कुछ पुरानिक पुराने ज़माने के, मतलब बहुत पुराण का कुछ चीज़ें हैं। हनुमान ठाकुर, ये देखो जय श्री राम, और उस साइड जाते हैं। पर देखो कृष्ण जी का रासलीला चल रहा है, यह है कृष्णा वो काली। यहाँ पर पेड़ को अच्छे तरीके से सजाया गया है। तो बेसिकली अगर कुछ बिहार में बहुत सारा हिस्टोरिकल कुछ चीज़ें होता है तो रसमेला उनमें से एक है, और आपको आना चाहिए अगर आप कुछ बिहार के आसपास हो। ये फिलहाल अभी 10-15 दिन तक रहेगा, और बेसिकली मेरा अभी नेपाल का ट्रिप का वीडियो चल रहा है, लेकिन मैं यही इसको इसलिए शूट करके दे रहा हूँ बिकॉज अगर कोई आसपास होगा तो उसके लिए थोड़ा सा फ़ायदा होगा, क्योंकि वो आ सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर पानी आप भर सकते हो। सो गाइस यही है कुछ, बेसिकली मेरा नेपाल का ट्रिप चल रहा है। सो मतलब नेपाल में जो मैं गया था उसका वीडियो चल रहा है, लेकिन मैं इसको अभी शूट करके देख रहा हूँ, मतलब मैं इसको शूट करके अभी अपलोड कर रहा हूँ, बिकॉज अगर कुछ बिहार के आसपास कोई होगा तो उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि वो आ पाएंगे, इसलिए इसको अपलोड करने के बाद कुछ पार्ट में अपलोड करेंगे, 3-4 पार्ट में इसको अपलोड करने के बाद फिर से नेपाल का वीडियो स्टार्ट होएगा। सो पानी पी रहा हूँ अभी। गाइस अभी हम बाहर निकल जाते हैं और आपको मेला का दर्शन करवाते हैं, मेरा दोस्त बाहर वेट कर रहा है, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और ज़रूर आइए और आना भी चाहिए। 10-15 दिन अभी भी टाइम है आपके पास, आइए और बहुत कुछ यहाँ से खरीद के ले जाइए। तो गाइस बाहर निकल के हम आपसे मिलते हैं। ओके गाइस, हम मदनबाड़ी से बाहर निकल चुके हैं और बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। सो यहाँ पर देखो, ये है बैरागी दीघी, और दीघी को कितना अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से सजाया गया है, कितना सुंदर तरीके से सजाया गया है ना भाई। हाँ देखो, सो आपको मस्ट आपको आना चाहिए यहाँ पे, आपको गाइस ऑब्वियसली आपको यहाँ पर आना चाहिए और आपको एक्सपीरियंस लेना चाहिए।
क्योंकि मैं इसको बिगेस्ट मेला बोल रहा हूँ बिकॉज ये मेरे शहर में हो रहा है, सो मेरे लिए तो ये बिगेस्ट ही होगा भाई। यहाँ पर रात में लोग रहते हैं, मतलब जिसके पास घर वगैरह नहीं है, और सो और बाहर से कुछ ऐसा दिखता है मदनबाड़ी का गेट। तो ये है मेन गेट और अभी हम इसके अंदर थे कुछ देर पहले, अभी हम बाहर आ चुके हैं। ये क्या है भैया? मुर्शिदाबाद का साड़ी मुर्शिदाबाद का साड़ी। आग में जलेगा नहीं? आग तो लाएगा सर, ये सिल्क है ना, आग ऐसे पहनेगा। तो आग से क्या दिखा रहे थे? ये नायलॉन पॉलिएस्टर होने से आग लग जाएगा, सिल्क है सर, ये देखिए। अच्छा, ये नायलॉन पॉलिएस्टर होने से आग लग जाएगा, सिल्क है, रोज पहनने वाला चीज है, कभी कलर नहीं जाएगा ये। अच्छा ठीक है ना, अच्छा समझ आया। बहुत अच्छा है सर, गर्म हुआ कि नहीं? बहुत अच्छा है, पानी मिलने से बहुत सॉफ्ट हो जाएगा ये। सो गाइस, ये मदनबाड़ी का जो गेट है इसका अपोजिट साइड में इसका दुकान है इस अंकल का। तो आपको अगर अच्छा लगा इसका क्वालिटी तो जरूर आना। और भी साड़ी भी है, मेखला भी है, असम का। अच्छा, असम का भी साड़ी है? असम का साड़ी है, मेखला है। अच्छा, इसका प्राइस कितना है? 250 सर। 250? हाँ, ओनली 250। प्योर सिल्क? प्योर सिल्क है, प्योर सिल्क 250। अगर प्योर सिल्क नहीं होता तो गल जाता? हाँ, प्योर सिल्क नहीं होता तो ऐसे आग पकड़ लेता सर। ठीक है, वो फोन पे का सिस्टम रखते हो? फोन पे है, गूगल। सो गाइस, यू मस्ट कम हियर और आपको आना चाहिए, और प्राइस बहुत ही सस्ता है, 250, और आपको लेना चाहिए, मतलब मेला के लास्ट तक हो ना? हाँ, लास्ट तक है सर। ओके ठीक, थैंक यू सर, बाय। ओके ओके, चलो अच्छी। तो इससे आना भाई, मतलब ये जो मदनबाड़ी का गेट है इसका मतलब जो दीघी है, दीघी के पास ही भैया का दुकान है, तो आ जाना भाई, ठीक है। और हम अभी सोरा उस साइड में जाते हैं और आपको मेला दिखाते हैं। मदनबाड़ी के सामने आपको भगवान से रिलेटेड हर चीज़ मिलेगा, मतलब यहाँ पर आके आप बहुत कुछ खरीद सकते हो, लाइक ठाकुर से रिलेटेड जो जो चीज़ है आप देख सकते हो। देखो, बेसिकली हम मदनबाड़ी के जो रोड है वहाँ से निकल चुके, देख सकते हो आप। और अभी हम जाने वाले हैं नंबर 1 गेट पे, यहाँ पर बहुत सारे गेट है। अरे बोलने दे भाई, एक्चुअली यहाँ पर बहुत सारा गेट है, सो बहुत सारे गेट में से हम जो नंबर 1 गेट है, जो मेन गेट है ना, सो उस साइड में हम आपको लेके जाएंगे। तो कुछ ऐसा भाई, देखो सब लोग मेरे को देख के हंस रहा है, और चलो भाई यहाँ पर आपको क्या नहीं मिलेगा, भाई यहाँ पर आपको क्या नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, खाना पीना से लेके शॉपिंग वगैरह से लेके सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पर। और लगभग आप यहाँ पर अगर 1,00,000 रुपये भी लेके आइए ना तो भी कम पड़ेगा भाई, और मिनिमम बजट इज 200 रुपीस, नहीं तो एंजॉय नहीं कर पाएंगे, मतलब कुछ भी खाओ 200 तो चला ही जाता है। कोई बात नहीं, यहाँ पर देखो कुछ बेडशीट कवर का कुछ दुकानें हैं, जगह जगह से लोग आए हैं। भाई इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करता हूँ बिकॉज वीडियो बहुत ही लंबा बन गया। तो कुछ यही था आज का ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना। ये मैं नहीं बोलूँगा, अगर मैं बोलूँ तो आप लोग सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करोगे, मुझे पता है आप लोग का बिहेवियर भाई, ठीक है। मैं क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कोई हॉट भाभी हूँ नहीं, ठीक है, मैं कोई लड़की हूँ नहीं, तो आप मुझे क्यों सब्सक्राइब करोगे, क्यों मुझे सपोर्ट करोगे? अगर मैं लड़की होता तो कुछ बात कुछ और बनता, मुझे पता है आप लोगों का बिहेवियर, ठीक है। आप लोग मजे लो वीडियो देख के, बस वही काफ़ी है, सब्सक्राइब मत करो, और आपको अगर इच्छा है तो डिसलाइक मार दो, आपका तो बिहेवियर मुझे पता ही है आप लोगों का। मेरा ऐसा नहीं कि व्यूज़ नहीं आते, व्यूज़ आते हैं, बट कोई सब्सक्राइब नहीं करता क्योंकि मैं लड़की नहीं हूँ, मुझे पता है। कोई बात नहीं, इट्स ओके, बाय।